हाय गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही है एग्जाम्स की प्रिपरेशन? सर, एग्जाम्स की प्रिपरेशन की बात की जाए, यस वी नीड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम. अब लास्ट आप प्रिपरेशन क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्या टेक्टिक फॉलो करनी है, तो यहाँ पे पहले क्लियर करते हैं. इस क्लास का मेन पर्पज है, हम उस क्वेश्चन को करेंगे जो पेपर में सबसे ज्यादा ट्रबल्स क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के लिए. सो दैट इज आरटीसीज, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट. अब कई स्टूडेंट डेफिनेटली बार बोलते हैं, सर एक ऐसी वीडियो बनाओ जिसके अंदर हमें पता लग जाए कि आरटीसी को कैसे करना है, कैसे हम आरटीसी को पूरा क्लियर करेंगे ऑन टिप करने वाले. तो इसको स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. वी आर नॉट गोइंग टू गेट ईच एंड एवरीथिंग इन अ वन स्टॉप. नहीं भाई, ऑलमोस्ट 10 वीडियोस, 10 ब्लॉक्स एंड 10 वीडियोस होंगी इसकी, जिसके अंदर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आपको कैसे प्लान करना है आरटीसी को, उनको कैसे आराम से कर लेंगे. अब दो चीज दिमाग में आ रही है सर. ब्रिटिश पोएट्री मीन्स MEG 1 द टफेस्ट पेपर स्टूडेंट्स को लगता था, मैक्सिमम बच्चे फेल भी होते हैं, आई कांट हेल्प इट यार. लेकिन यहाँ पे पहली चीज क्या है जो आपके दिमाग में जी सर, उसके बाद यहाँ पे तो स्टूडेंट स्कोर 90s. चेक माय स्टेटस, व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ स्टेटस में, स्टूडेंट के नंबर आते मेरे MEG 1 में तो आते हैं. अब आपने कहा सर इसमें कैसे लाते हैं, क्या स्ट्रेटजी होगी, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली शेयर करता हूँ, आप सबके लिए शेयर करता हूँ ये वीडियो, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाते, ट्यूशन नहीं ले पाते, जिनके पास नोट्स भी नहीं होते, तो आप लोगों के लिए वीडियो है. इस वीडियो को पूरा लास्ट तक फॉलो करना है. एंड आई डोंट थिंक यार यहाँ पे वॉइस का इश्यू होना चाहिए, वीडियो इजीली क्लियर होगी. आप लोग लास्ट तक वीडियो देखेंगे एंड देन लेट मी नो, कोई भी नोट आती है तो कमेंट बॉक्स आपके पास है. एंड दोज हु वांट टू ज्वाइन माय ऑनलाइन सेशन, पीछे नंबर दिया गया, नोट्स भी आप पीछे नंबर ले सकते हैं, नोट्स फ्री नहीं होते गाइस, उनके लिए पे करना पड़ता है. कम टू द पॉइंट सर, आरटीसी को कैसे क्लियर करना है, मतलब कि रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट. यस, आई एम टॉकिंग ऑन MEG 01, that is British poetry. अब इस British poetry के पेपर में मेरे पास कितने ब्लॉक्स हैं? I'm having 10 ब्लॉक्स guys. 10 ब्लॉक्स, 10 ब्लॉक हैं. स्टेप बाय स्टेप चलना. अगर आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट मास्टर करना है इसको, तो आपको क्या करना है, पहली चीज डिवाइड एंड रूल. अंग्रेजों का फॉर्मूला था, आज तक अप्लाई होता है, हर जगह अप्लाई होता है, इजी होती चीज है. तो आप कह लो स्टेप बाय स्टेप चलो, कह लो दिमाग में इतने सारे पोएट्स, इतनी सारी पोएट्रीज कैसे क्रैक करेंगे, किसने कहा सारे एक साथ पढ़ा, वो वन बाय वन. तो पहले पकड़ते हैं ब्लॉक 1. सर ब्लॉक 1 मेडिवल पोएट्स चौसर. यस, द ब्लॉक 1 मेडिवल पोएट चौसर. अब सर इसको क्लियर करना है तो मुझे किस किस को पढ़ना पड़ेगा? मुझे पढ़ना पड़ेगा कैंटरबरी टेल्स. Yes, just Canterbury Tales. Sir, Nun Priest Tale भी होते हैं. Nun Priest 1, Nun Priest 2. अरे यार, Canterbury Tales का ही पार्ट है. तो don't be a fool, seriously. लोग बोलते हैं ये करना है इसके अंदर. सिर्फ Canterbury Tales करनी है. Nun Priest Tale उसी का पार्ट है. अब यहां मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूं. आपने क्या करना है? Canterbury Tales के अंदर आपने जनरल प्रोलॉग. आई रिपीट, हाँ इसके पार्ट, Canterbury Tale के पार्ट है, जनरल प्रोलॉग पे ध्यान देना. आपने कहा जर्नल प्रोलॉग, द फर्स्ट दैट इज रियली इंपॉर्टेंट इज द जर्नल प्रोलॉग. इस पे ध्यान देना. देन विल गो टू NPT नन प्रीस्ट टेल. मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, ये अलग नहीं है, ये कैंटरबरी टेल का ही पार्ट है. तो आपने जर्नल प्रोलॉग की बात की और नन प्रीस्ट टेल की बात की. अभी जर्नल प्रोलॉग है क्या पूरा बता दूं. प्रोलॉग सर इंट्रोडक्टरी पार्ट. Prologue is known as to be the introductory part, जहां पे host ने आपको सारे के सारे character से introduce करवाया था. So character कौन थे? उसके pilgrims कौन थे लोग? Sir इसमें मेरे पास knight solid character था. अब please इनको ना याद रख लेना, ये paper में आते हैं. कौन कौन से? जिनके नाम मैं बता रहा हूँ यहाँ. तो आपने कहा sir knight को याद रखना है, फिर बाद में कहना कि मैंने बताया नहीं. Scare. अब नाइट के बाद स्केयर. सर इनका रिलेशनशिप था, हाँ फादर एंड सन. कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है पर ये ऑन टिप पहुंचे आपको. सर नाइट हो गया, स्केयर हो गया, देन वी आर हैविंग एलिसन. इसको वाइफ ऑफ बाथ के नाम जानते हैं. वाइफ ऑफ बाथ वी आर हैव पीरियड्स. मॉन्क में प्रीस्ट आपके साथ है, नन प्रीस्ट टेल तो आपको पता ही है. नन
कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, मोर देन ऑफ, सीरियसली मोर देन ऑफ। ये तो हो गए इंपॉर्टेंट करेक्टर्स, फिल्म गेज की बात करता हूँ, लेकिन मैं पेपर में आरटीसीज कैसे सॉल्व करूंगा, हाउ आई एम गोइंग टू गेट द आरटीसीज क्लियर। अब ये आरटीसी होती है, कई स्टूडेंट तो कमेंट बोलते हैं सर ये आरटीसी क्या, व्हाट इज मीन बाय दिस आरटीसी, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। आई रिपीट, ये वो क्वेश्चन जो कंफर्म पेपर में आएगा, वेदर कंप्लीट आरटीसी हो या फर्स्ट क्वेश्चन आरटीसी हो और बाकी क्या होने ऐसे टाइप हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आरटीसी हो गई होगा, ये तो कंफर्म है। अब मुझे कैसे क्रैक करना है, तो यहां मेरे पास ये नोट्स हैं यार, सर आरटीसी के नोट्स, फर्स्ट टाइम एमईजी वन आरटीसी के नोट्स तैयार कर दिए, कर दिए डेफिनेटली आप सबके लिए। यहां ये आरटीसी के नोट्स हैं और ये सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक वन है, सिर्फ ब्लॉक वन की आरटीसी है। अब आपने सर ब्लॉक वन की आरटीसी तो इनके सोल्यूशन भी होंगे, हाँ डेफिनेट सोल्यूशन दूंगा मैं आपको, कौन सी आरटीसी मैं बताऊंगा। अब शुरू किया, अभी कंप्लीट हो जाएंगे विद इन वीक, सारे के सारे ब्लॉक्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैंने कहा यार ये आरटीसीज कंप्लीट हो गए तो वीडियो में डेफिनेटली आपको बताऊंगा क्या करना है कैसे करना है। तो पहले ब्लॉक वन की बात की, अब ब्लॉक वन में आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, भाई ये चौसर है, ये जो राइटिंग लिखी है चौसर की। तो दो टिप, फर्स्ट अगर पेपर पूरा का पूरा आरटीसी आता है, गाइस प्लीज लिख लेना इसका, अगर पेपर कंप्लीट आरटीसी वाइज होगा तो याद रखना फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है कि पूरा का पूरा क्या होगा चौसर से होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में दो चॉइस होती है, यस वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर वन हैविंग चॉइस ए एंड बी, जिनमें कोई एक आपको करना होगा। ये दोनों कहां से होंगे, दोनों ही चौसर के होंगे, अब आपको ध्यान रखना होगा कहां से होगा। ये भी क्लियर करता हूं, अगर आएगा तो एक होगा जनरल ब्लॉक से, दूसरा होगा एनपीडी से, दोनों जनरल ब्लॉक से भी हो सकते हैं लेकिन दोनों एनपीटी से नहीं होंगे, ये याद रखना। तो अब मैं इसको आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, सर ये तो आसान हो गया कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट आरटीसी आया तो पता लग जाएगा, लेकिन कंप्लीट आरटीसी नहीं आया, देखो सारे फेज देखे चलते हैं, मैंने दूसरे फेज की बात की, मैंने कहा कंप्लीट आरटीसी नहीं आया सर, नाउ इट्स बीन अ डिफरेंट पार्ट फ्रेंकली, कुछ 5-7 आपको आरटीसी दी हुई थी, अब हमें नहीं पता कौन से ब्लॉक से कौन सी, वो तो बहुत ईजी था कि फर्स्ट ब्लॉक से पहला क्वेश्चन, सेकंड से थर्ड से चलता आता रिस्पेक्टिवली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आरटीसी, बाकी ऐसे टाइप आ गए। अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, तो याद रखना जहां पे इंग्लिश गलत लिखी हुई है, गलत का मतलब ये नहीं कि गलत है, उस टाइम पे वो बिल्कुल ठीक थी, आज के हिसाब से वो मॉडिफाइड नहीं है तो हम नहीं पढ़ पा रहे, वी आर अनेबल टू रीड समटाइम, तो हम यार स्पेंसर को नहीं पढ़ो गलत से, ब्लेक को पढ़ो सर, हम किसकी बात करता हूँ, सैमुअल की बात करता हूँ, यहाँ सर मैं विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करूं, उसकी इंग्लिश ढंग से नहीं पढ़ाते, लेकिन इसकी गलतियां कुछ ज्यादा है, चौसर की गलतियां कुछ ज्यादा है। एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं आपके पास, यहीं पे है मेरे पास, तो आई रीड फर्स्ट वन फॉर यू। अच्छा यार यहां पे बताना कि कौन सा है, एक छोटा टेस्ट आपका भी, हर नोज स्ट्रेट्स हर आईज ग्रे एज ग्लास हर माउथ फुल स्मॉल एंड देयर ऑफ सॉफ्ट एंड रीड बट सिकली शी हैड अ फेयर फोरहेड It was almost a Spain broad. I throw for hardly she was not underground. Sir, मैंने जो पढ़ा वो मैं इसलिए पढ़ पाया क्योंकि मैं इसमें परफेक्ट हो चुका हूं। Sir, I have been reading from this since last several years. But आप लोग तो पहली बार आए, first time पेपर देने जा रहे हो, तो यार definitely प्रॉब्लम होगी, तो आप इसको कैसे क्रैक करने वाले हो, ये वर्ड्स को देख लेना है यार, ये गलत लिख रहा है सर, हर को एच आई आर कह रहा है। अब मैं हर तो नहीं पढ़ूंगा उसे, लेकिन हाँ रीड कर तो हर ही पढ़ेंगे, तो पढ़ने का तरीका हम सीखेंगे धीरे धीरे अडॉप्ट करेंगे। तो यहां मैंने आइडेंटिफाई किया भाई ये चौसर था, अब चौसर कहां से, अब मैं पहले दूंगा रेफरेंस, हाँ रिपीट आंसर कैसे लिखना है, भाई बड़े सारे क्वेश्चन दिमाग में जो चल रहे हैं कि यार पहले कौन सा क्वेश्चन होगा, आई होप आपने लिख लिया, फिर बाद में बोलेंगे सर हमने बताया नहीं। अब जिन्होंने नहीं लिखा था वो क्या करें, प्लीज थोड़ा सा वापस जाएंगे वीडियो को, बैक करेंगे और ये वाले पॉइंट्स लिख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है गाइस, एंड आई डोंट वांट यू गाइस टू मिस दिस। अब यहां पे आगे सबसे पहले लिखना रेफरेंस, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज रेफरेंस, मैंने रीड किया, मैंने कहा हर नोज स्ट्रेट्स हर आईज ग्रे एज ग्लास हर माउथ फुल स्मॉल एंड देयर ऑफ सॉफ्ट एंड रीड
But sickly she had a fair forehead. It was almost as pain broad I throw, for hardly she was not undergone. सर ये आप देख सकते हैं प्लीज. अब आपने कहा सर इसको थोड़ा और डेलिबेट करते हैं. सो रेफरेंस मैं लिखूंगा द अबव एस्पेक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम जर्नल प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स. आई रिपीट, जर्नल प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स written by Geoffrey Chaucer reference. अब एक चीज क्लियर करता हूं, अगर वो 10 नंबर क्वेश्चन है तो 8 नंबर आपके 100% श्योर होते हैं रेफरेंस है. जहां एग्जाम को बताते हैं इसकी रेफरेंस बिल्कुल ठीक है, इस बच्चों को पता है कि भाई किसने लिखा है, वहां कंफर्म श्योर होता है कि भाई इसको पता आंसर है. अब अगर सेकेंड पॉइंट दैट इज कॉन्टेस्ट, अब कॉन्टेस्ट में बताना भाई ये किसके बारे में बता रहा है. डेफिनेटली द क्वेश्चन दैट कम्स हियर इज ये पैराग्राफ किसके बारे में बता रहा है. तो यहां किसके बारे में बता रहा है सर, मेरे को रीड करना पड़ेगा. हर नोज दैट्स हिज आईज, हर आईज ग्रेज एज ग्लास, हर माउथ फुल स्मॉल एंड देयर टू सॉफ्ट इन द रीड, बट सिकली शी हैड अ फेयर फोरहेड. सर ये पीरियड्स के बारे में बात कर रहे हैं. किसके अंदर है पीरियड्स लिखवाया था मैंने शायद आपको, या अब पीरियड्स सर शी वाज अ हाई अथॉरिटी, राज्य में अथॉरिटी थी, बिशप के बाद नेक्स्ट थी, एक डिग्निटी थी उसके पास. शी वाज हैविंग अ वेरी गुड ड्रेस अप, वो हाईलाइट. तो कॉन्टेस्ट में बताऊंगा द अबव पैसेज टेल्स अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द पीरियड्स नाउ एंड हर अपीयरेंस एंड हर रैंक in a hierarchy that was next to the bishop. मुझे contest में बताना होता है, that is in the contest. याद रखना contest में क्या था, कई बच्चे बोलते हैं सर रेफरेंस तो पता क्या है, contest में क्या आता है, explanation में आता है, फिर critical appreciation में क्या लिखेंगे. तो next आ गया contest. Appearance of look, the above extract is about the appearance of the peeress and her style. Style means bracket में लिखोगे आप clothing, ठीक है, and her rank. And hierarchy that was next to bishop. ये आपने क्लियर कर दिया, that was next to the bishop. And then we'll come to the explanation. अब दो चीज आती है, एक explanation, दूसरा आता है critical appreciation. क्रिटिकल एप्रिसिएशन दोनों क्या लिखना है, डेफिनेटली दो चीजें, आई रिपीट दो चीजें अगर आपके बिल्कुल ठीक है, रेफरेंस और कॉन्टेस्ट. मैं आपको लिख देता हूं दैट यू गोइंग टू स्कोर 10 out of 10. यस एग्जामिनर आगे पढ़ेगा भी नहीं. क्रिटिकल अपीयरेंस हम लोग बोलते हैं लिखना जरूरी होता है, जरूरी होता है. अरे उसको लगना चाहिए कि आपने लिखा है, वो पढ़ेगा नहीं डेफिनेटली, क्योंकि क्रिटिकल एप्रिसिएशन होती है आपकी जजमेंट टूवर्ड्स दैट वर्क. That is critical appreciation. मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, आप प्लीज देखें उस जगह. Critical appreciation कहते हैं your judgment towards the writer work or the poet's work. Explanation जो आपको समझ में आता है with that particular paragraph, वो आप explanation लिख देते हैं. हिंदी में आपके वर्ड्स में बोलूं तो summary को हम explanation कहते हैं guys. Still somebody have doubt, still somebody have lots of questions in their minds. Comment boxes for you. And those who come first time on this channel, guys, don't forget to like, share and subscribe. Make sure, क्योंकि अगर आप subscribe करेंगे तभी आप access कर पाएंगे हर video को. अब कितने question थे, almost 13 to 14 question in form of RTC from block 1 only.
Like this, I'm going to prepare almost 10 from each block. And then I'm going to jump up the questionary RTCs. Around 50 to 60 questions. Just mein sab jump kar dunga. Karo find out, dekhte hain. Let's see. Check your talent. Matlab kitna aata hai, kitna nahi aata. Inko follow karo. Koshi karunga videos jaldi jaldi banao. As you know, the situation real intense outside. So be safe. Ab kaise? Only God knows. All the best, guys.